हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। पुराना इंट्रो बोले कितना टाइम हो गया था, नहीं मगर खैर उससे आखिर क्या ही मतलब। तुम लोगों को तो इंट्रो स्किप ही करना होता है, जानता नहीं क्या मैं। अच्छा, मजाक से हटके आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस होने वाला है, एंड साथ ही साथ शिनचैन के सीज़न 9 से ये एपिसोड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्या पता तुम्हारा भी फेवरेट बन जाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर आते हैं, जो कहते हैं क्या आप लोगों ने वो अजीब हॉस्पिटल और स्कूल की कहानियां सुनी है। फिर सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि सारे बच्चे किंडरगार्टन स्कूल पर एक रात बिताने के लिए आए हुए होते हैं। क्योंकि वो सब अपने दोस्तों के साथ थे तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कज़ामा मसाओ से कहता है आज कितना अच्छा लग रहा है, मगर तभी उन्हें किसी की विस्परिंग सुनाई आती है कहते हुए क्या तुम्हें वो अजीब सीरियो की कहानियां पता है। डरावनी कहानी का नाम सुनते ही मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वो अपने बिस्तर से उठकर कहता है मैंने एक अजीब सीरियो की कहानियां सुनी है, मगर किसी ने कभी उन सीरियो को देखा नहीं है, तो शायद वो बस एक अफवाह है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड खुशी खुशी सोने चले जाते हैं। देर रात को मसाओ की नींद खुल जाती है एंड उसे वॉशरूम जाना होता है, मगर हॉरर स्टोरी सुनने के बाद मसाओ को अकेले जाने में डर लगता है, इसलिए वो कज़ामा को उठाता है। ऊपर से कज़ामा भी थोड़ा सा डरा रहता है, इसलिए वो नैनी को जगाता है और नैनी बो को, फिर वो एक साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। वो सब एक लाइन में चल रहे होते हैं एंड वो उन्हें लीड कर रहा होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहता है, मगर शिनचैन आकर उन्हें पीछे से डरा देता है जिसके कारण वो बहुत डर जाते हैं एंड सीधा वॉशरूम की तरफ भागने लगते हैं। कैमरा सीन चेंज होता है एंड हमें एक चाइना रोज दिखाया जाता है। वॉशरूम में कज़ामा शिनचैन को डांट रहा होता है कि आखिर वो आकर उन्हें पीछे से क्यों डरा रहा है। उसके बाद जब मसाओ वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो वो सब लाइट्स ऑफ करके वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी शिनचैन अपने लेफ्ट पे पॉइंट आउट करता है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक लंबी सीढ़ियां है जो उन्हें सेकंड फ्लोर तक ले जा रही है। शिनचैन कहता है क्या यह कहानी वाली वही अजीब सीरिया है। फिर शिनचैन सीरियो की मदद से सभी को डराने की कोशिश करने लगता है। वो मसाओ से कहता है तुम जाकर ऊपर तक देखकर आओ आखिर ऊपर है क्या, मगर इतने अंधेरे में इतनी लंबी सीरिया चढ़ना मसाओ की बस की बात है नहीं, इसलिए शिनचैन कज़ामा को ऊपर जाने के लिए कहता है। मगर कज़ामा शिनचैन से कहता है अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। शिनचैन मान जाता है और कहता है अगर ऊपर जाते वक्त एंड नीचे आते वक्त सीढ़ियों की काउंटिंग सेम नहीं होती इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसके बाद शिनचैन ऊपर जाने लगता है मगर वो गलत काउंटिंग कर रहा होता है, इसलिए सब लोग उसे नीचे आने को कह देते हैं। फिर वो सब बो को भेजते हैं मगर वो बहुत धीरे धीरे जा रहा होता है, इसलिए वो भी वापस आ जाता है। अंत में कज़ामा इतना इरिटेट हो जाता है कि वो आखिर फैसला कर ही लेता है इस बार वो खुद जाएगा। शिनचैन आकर उसे परेशान करने लगता है जिसके कारण वो बहुत डर जाता है एंड उसकी पूरी काउंटिंग बिगड़ जाती है। तो इस बार शिनचैन एंड कज़ामा दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं एंड काउंटिंग करने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में अचानक से शिनचैन रुक जाता है। जब कज़ामा पीछे मुड़कर देखता है तब शिनचैन कहता है कज़ामा क्या तुम्हें पता है असली शिनचैन तो अभी बाकी बच्चों के साथ सो रहा है। सुनकर कज़ामा के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दौड़ा दौड़ा नीचे चला आता है, और तब शिनचैन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। कज़ामा बहुत इरिटेट हो जाता है एंड वो जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि ऊपर आने में टोटल 64 सीढ़ियां हैं एंड उसके सामने एक चाइना रोज का फ्लावर रखा हुआ है। फिर जब कज़ामा नीचे आते वक्त काउंटिंग करता है तब वो देखता है कि इस टाइम भी 64 ही सीरिया है। तो वो सब कंफर्म हो जाते हैं कि ये बस नॉर्मल सीरिया है एंड इसमें कुछ डरने के लिए है ही नहीं। अगली सुबह हो जाती है एंड उनका घर जाने का वक्त हो जाता है, मगर बाहर जाते वक्त शिनचैन अचानक से अपने दोस्तों को बुलाता है। वो देखते हैं कल जो उन्होंने सीरिया चढ़ी वो तो अभी यहाँ पर है ही नहीं। वो योशिनागा मैम से सीरियो के बारे में पूछते हैं, मगर मैम कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर तो कभी सीरिया थी ही नहीं, फिर सीरिया कहाँ से आएंगे जब हमारे स्कूल में दूसरी मंजिल है ही नहीं। फिर प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं बात तो सही है हमारे स्कूल में दूसरी मंजिल तो है ही नहीं, और फिर अपने पॉकेट से एक चाइना रोज का फ्लावर निकालते हैं। तो क्या आप सबको भी कुछ ऐसी अजीब कहानियां पता है, या फिर कभी आपके साथ क्या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई? हाँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।